एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमसे बोला गया है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है उसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है और वो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का है जिसकी साइड ए यूनिट की है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो हमें जो जो सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हिरोंस फॉर्मूला, हिरोंस फॉर्मूले की मदद से। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर हो तो वॉट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो हमें इस कंडीशन में भी इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और जो ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हर साइड है वो ए यूनिट की है। हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो हमें इस जो सिग्नल बोर्ड है इसका एरिया फाइंड करना है हिरोंस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हिरोन फॉर्मूले की मदद से इस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करेंगे। जो आगे का जो क्वेश्चन है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ये बात की बात है, इसे बाद में करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। देखिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो ए यूनिट की हैं, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड जो है ए यूनिट की है। ठीक है, तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और होता है। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3/4 इंटू साइड टू द पावर 2। ठीक है, तो अंडर रूट 3/4 इंटू इसकी साइड कितनी है ए, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया हम अंडर रूट 3/4 इंटू साइड टू द पावर 2 से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मगर इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल तो है और इसकी हर साइड ए यूनिट की है, मगर हमें इसका एरिया हिरोन फॉर्मूले की मदद से निकालना है, यानी कि इस फॉर्मूले का हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लें, ये सिग्नल बोर्ड है। ठीक है, अब इसकी हर साइड जो है ए लेंथ की है, तो ये भी ए है और ये भी क्या है ए है और ये भी क्या है ए यूनिट की है। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हिरोन फॉर्मूला होता है उसको लगाने के लिए यानी कि उससे किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको ए बी सी यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो होती हैं उनकी लेंथ मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी लेंथ को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ए, तो ए जो होती है वो फर्स्ट साइड की लेंथ होती है, तो ए कितनी है ए, और जो बी होता है वो सेकेंड साइड की लेंथ होती है जो कि इसमें दूसरी साइड भी ए ही है, तो बी भी क्या हो जाएगी इसमें ए ही हो जाएगी, और जो सी है वो भी कितनी हो जाएगी इसमें ए ही हो जाएगी। ठीक है, अब आपको हिरोन फॉर्मूला लगाने के लिए एस की ज़रूरत भी पड़ती है, तो एस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो अगर हम एस का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर एस बी ए बी ए है और बी बी ए ही है और सी बी ए ही है। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर टू। अब S इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा, S हमारे पास आ चुका है, और जब S हमारे पास आ चुका है तो अब हम हिरोन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, और जो ये सिग्नल बोर्ड है ये ट्राइंगल के आकार का है, तो S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप ही हिरोन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं अंडर रूट एस जो है हमारे पास, एस कितना है हमारे पास 3a/2 और इंटू ये कितना है 3a/2 माइनस ए कितना था, ए तो ए ही था, और इंटू ये कितना है 3a/2 और माइनस बी भी कितना था हमारे पास ए ही था, और
जो एस कितना था हमारे पास, 3a/2, और माइनस सी कितना था, वो भी ए ही था। ठीक है, देखिए अगला स्टेप जो है हमारे पास अंडर रूट, ये 3a/2 तो आप ऐसे ही रखेंगे, जब इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2। अब आपको ये मालूम है जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को एज इट इज़ रख देते हैं, माइनस जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो ए के अपॉन में कुछ नहीं है तो 2 की ऐसे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। देखिए इसकी बिल्कुल इसके जैसा ही ये ब्रैकेट था, तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये आया, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और माइनस 2a आ जाएगा, और यहाँ पर भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, सारे के सारे ब्रैकेट सेम ही है, तो 3a और माइनस 2a आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए हम इस स्टेप पर पहुँच चुके थे। अब इसके बाद अगर हम इस आगे देखते हैं तो इसको 3a/2 ही लिखा रहने दीजिए, 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, a/2 बचेगा, यहाँ पर भी इसको a/2 लिखा जा सकता है, 3a में से 2a जाएगा तो a/2 लिख सकते हैं इसको भी। अब आप आगे देखेंगे तो ये जो अगर हम इसकी 3a/2 को अगर लिखना चाहें, 3 × a/2 लिखा जा सकता है क्या, जब हम 3 की ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3a/2 ही तो बनेगा, तो 3a/2 को 3 × a/2 भी तो लिख सकते हैं, तो इस 3a/2 को मैंने क्या लिख लिया, 3 × a/2 मल्टीप्लाई, a/2 को ऐसे ही रहने दिया, इस a/2 को भी ऐसे ही रख लेंगे और इस a/2 को भी हमने ऐसे ही रख लिया। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं इसको, तो आपको ये मालूम है इस रूट में से वो चीज़ बाहर निकलती है जिसका पेयर बन जाता है, तो ये a/2 × a/2 यानी कि इस पेयर में से एक बाहर और इस पेयर में से भी एक बाहर। अगर हम देखें तो 3 का पेयर नहीं बनना तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, a² / 2 × 4, 2 × 2 × 4, और ये हो जाएगा √3। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं √3/4 और × a². ठीक है, तो हमारे पास जो द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड जो आ गया, सिग्नल बोर्ड वो कितना आया, √3/4a². ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ तक का जो क्वेश्चन बोला जा रहा था, इस क्वेश्चन में यहाँ तक जो बात बोली जा रही थी कि हिरोन फॉर्मूले से आपको क्या करना है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है, वो यहाँ तक हो चुका है। अब आगे इसने बोला था इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, अगर इस सिग्नल बोर्ड का जो है पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी हमें क्या निकालना था, इसका एरिया फाइंड करना था। तो अब हम इस पेरीमीटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमसे बोला गया था कि इसका अगर पेरीमीटर कितना हो जाता है, अगर इसका पेरीमीटर जो है द पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 180 सेंटीमीटर। अब जो ट्राइंगल होता है कोई भी, उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c इक्वल टू 180, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं। अब a हमारे पास कितना था, a ही था, b भी a ही था, c भी कितना था हमारे पास, a ही था, इज इक्वल टू 180, तो ये 3a = 180 आ जाएगा, और a की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180/3, 3 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 60। अब जो ये a की वैल्यू यहाँ पर आई है, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट में रख देंगे, जो ए द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड आया है इसमें यहाँ पर क्या रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, और फिर इस हिसाब से जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू एरिया की आ जाएगी। तो द एरिया, अब आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या थी हमारे पास, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू √3/4 × a², तो ए की जगह हम कितना रख सकते हैं, 60^2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3/4 और इंटू ये कितना आ जाएगा, 60 × 60, इससे 15 टाइम कट जाएगा, और कटने के बाद 15 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900√3 cm² इसका एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर।